नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भीषण हादसे में 4 लोगों की गई जान। अयोध्या जिले में एक भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। गुरुवार को एक सेल्समैन सड़क किनारे लोगों को कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बता रहा था, तभी इसी बीच अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मारते हुए अन्य लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे कोतवाली रुदौली के मुजफ्फरा के पास NH27 हाईवे किनारे एक सेल्समैन लोगों को डिटर्जेंट पाउडर दिखा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में एक महिला, एक युवती, एक बच्चा और सेल्समैन की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी रुदौली सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि थाना रुदौली क्षेत्र मुजफ्फरा के पास NH27 हाईवे पर सड़क दुर्घटना की घटना में पुलिस द्वारा की कार्यवाही की जा रही है, तो वही दूसरे भी NH27 हाईवे पर एक और हादसा देखने को मिला और कार बाइक में टक्कर हुए और अनियंत्रित होकर कार पलट गई, जिसमें 3 डॉक्टर हादसे का शिकार हो गया। लखनऊ से अयोध्या जिला अस्पताल ड्यूटी करने 3 डॉक्टर आ रहे थे। वही रुदौली क्षेत्र में हुई दोनों घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अयोध्या संवाददाता वी सिमिल्हा खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 23 फरवरी 2023 को सुबह करीब 8 बजे फैजाबाद लखनऊ NH27 राजमार्ग पर थाना रुदौली के अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर के निकट हाईवे पर एक दुर्घटना हुई। एक फेरी वाला वो अपनी मोटरसाइकिल पर निरमा रखकर गांव-गांव बेच रहा था। रोड के किनारे ही कुछ स्थानीय महिलाएं और बच्चे निरमा खरीदने के लिए एकत्र हो गए थे। पीछे से एक तेज रफ्तार आती हुई पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जो फेरी वाला था उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पिकअप के पलटने से उसके नीचे जो स्थानीय ग्रामीण निरमा खरीदने के लिए एकत्र थे वो दब गए। इसमें एक लड़की, एक महिला और एक बच्चा इसकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त एक महिला और एक बच्चा वो घायल हो गए थे। मृतकों को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए वो भिजवाया गया और जो घायल थे उनको तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए अस्पताल भिजवाया गया। परिजनों की तहरीर में इस संबंध में एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन थे उनको तत्काल थाना आ जाया गया। इस संबंध में जो भी विधिक कार्यवाही है और घायलों की सहायता के लिए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जो भी इसमें विधिक कार्यवाही है वो थाना स्तर पर प्रचलित कराई जाएगी।